परिमल जी, जो जेएनयू में कल प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, इस बार जेएनयू में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह एक ट्रायंगुलर फाइट चल रहा है। आपने हमें बताया पहले कि कैसे सारी लेफ्ट पार्टीज एक बार एकजुट होकर सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए, एबीवीपी को कैंपस से बाहर रखने के लिए ही अपनी वोटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हमें बताइए, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए फिलहाल सोनल, यही कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट बहुत अहम कड़ी होती है इस चुनाव में, और उसमें सिर्फ कैंपस के मुद्दे नहीं रहे। पहली बार पहले से भी हमने देखा है कि जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दे होते हैं, वो भी उसकी भी चर्चा यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर नजीब का भी मुद्दा उठा, जो कैंपस से गुमशुदा छात्र है अब तक, और साथ में अखलाक का भी मुद्दा उठा, और यहाँ पर काले धन की भी बात हुई। तमाम तरह के केंद्र की नीतियों को लेकर एक आलोचना का दौर चला। वहीं एबीवीपी के लोग जो है वो उनके भी अपने तर्क थे, और राष्ट्रवाद को लेकर वो बातें करते नजर आए। फिलहाल यहाँ पर ये जरूर समझना है कि जो लेफ्ट है वो एक मंच पे है, चार पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में हैं और अलग अलग पद पे हैं, आईएसआ, एसएफआई, डीएसएफ और भी जो एक्सट्रीम विंग है, लेकिन बादशाह ने अपने आप को अलग रखा है। जो बुद्धिस्ट अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन है, उसने अपने आप को अलग रखा है। तो यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि आज की जो वोटिंग है वो यहाँ पर दिलचस्पी है कि हमने देखा डी यूनिवर्सिटी में जरूर कंट्रोवर्सी हुई ईवीएम को लेके, लेकिन यहाँ बैलेट पेपर से सारी चीजें होनी, तो एक अच्छा खासा वक्त लगता है, करीब 24 से 30 घंटे का वक्त लगता है परिणाम को आने में। तो वोटिंग अभी से कुछ देर पहले शुरुआत हो गई यहाँ पर जेएनयू में, और यहाँ पर एक तरीके से ट्रायंगुलर फाइट ही है, जिसमें लेफ्ट हो, एबीवीपी हो और बादशाह हो, ये तीनों जो है वो कंटेस्टेंट के तौर पे माने जा रहे हैं, और देखना होगा कि उसके बाद वोटिंग जिस तरीके से निकल के आती है, जिस तरीके से लोग वोट करते हैं, उसके बाद ही परिणाम के बारे में पता चलेगा।